हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही पावन माधव तिथि हैं। एक्चुअली बसंत पंचमी के बाद से सब शुभ तिथियाँ आती रहती हैं। भगवान अद्वैत आचार्य का अद्वैत सप्तमी दिन एकादशी बराह द्वादशी और आज हैं श्री नित्यानंद त्रयोदशी यानी भगवान नित्यानंद राम का आविर्भाव तिथि। भगवान नित्यानंद राम वे ही आदि बलराम हैं, ये हम लोग बहुत बार सुन चुके हैं। साक्षात ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री गौर सुंदर के रूप में आविर्भूत हुए नदिया नवद्वीप धाम में अंतरद्वीप मायापुर में और एक चक्र धाम में 13 वर्ष पूर्व महाप्रभु के आविर्भूत हुए श्री श्री नित्यानंद राम बलराम। संकर्षण कारणतोषाय गर्वोदकशाय च पयोदिशाय शेषस्य यस्यांश कलश नित्यानंद आख्य राम शरणं ममास्तु। संकर्षण जो आदि संकर्षण है जिनसे नारायण दिन चतुर्भुः दिन पुरुषावतार कांदोकशाही गर्भदोकशाही चिरदोकशाही और शेष अनंत शेष जिसकी अंश कला हैं वे नित्यानंद प्रभु का हम शरण ग्रहण करते हैं। तो आइए सुनते हैं श्री नित्यानंद कथा। मैं संक्षेप में इसका वर्णन करूंगा आज की पावन तिथि में आप लोगों के लिए कुछ कुछ विशेष कथाएं। ऐसे तो श्री नित्यानंद चरितामृत हैं, उसमें बहुत सुंदर भगवान नित्यानंद राय का महिमा वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है जो कि उनके पार्षद थे, लेकिन समय के अभाव में कुछ कुछ लीला उनके तत्व हम लोग सुनेंगे श्रवण करेंगे समझेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकयाः चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रश्नाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रश्नाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। गंकृति वाचा लंग पंगुम लंघायते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे श्रीगुरुं गुणतारिणं श्रीचैतन्यं ईश्वरं श्रीपरमानंदमाधवं। हरि ओम तत्सत्। संकर्षण कारणतोषाई गर्भोदकशाई च पयोदिशाई शेषस्य यस्यांशकलश नित्यानंदाख्य राम शरणं ममास्तु। ॐ नमो भगवते नित्यानंदाय। भगवान नित्यानंद राय का शुभ आविर्भाव तिथि अहो अहो भाग्य उन भक्तगणों का जो नित्यानंद प्रभु के सुशीतल चरणों में आश्रय ग्रहण करते हैं। देखिए श्री राधा रानी ब्रजलीला में आश्रय स्वरूप थी और भगवान कृष्ण विषय। ब्रजलीला में श्री राधा रानी के आश्रय के बिना कृष्ण को कोई प्राप्त नहीं कर सकता था, संभव ही नहीं है। ऐसा श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया है, ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण गर्ग संहिता में वर्णन किया गया है प्रधान आश्रय। लेकिन वही भगवान राधा कृष्ण मिलित तनु जब श्री गौर हरि के रूप में आविर्भूत हुए बंगाल में, तब राधा कृष्ण दोनों ही गौर तनु में विषय बन गए
और आश्रय बने भगवान नित्यानंद राम। ये जो कृष्ण प्रेम माधुर्य सार जो तत्व हैं, ये तत्व कलयुग के लोगों को भगवान नित्यानंद राम के बिना नहीं मिल सकता। नीताय चरण बिनय भाई राधा कृष्ण पाई देना संभव नहीं है। वे राधा कृष्ण स्वयं गौर हरि हैं, तो श्री गौर हरि को प्राप्त करना है, राधा कृष्ण के चरणों को प्राप्त करना है, तो भगवान नित्यानंद राय का आश्रय ग्रहण करना एकांतिक उसका प्रयोजन है। तो आज की तिथि में हम लोग भगवान नित्यानंद बलराम जी के चरणों में हरिनाम के द्वारा आश्रय ग्रहण करके हमारे समस्त व्यथा को भगवान को अर्पण करें कि हम लोग भक्ति मार्ग में प्रयास कर रहे हैं। प्रभु आप बलदाता हैं, आध्यात्मिक बल गुरु श्री बलराम जी नित्यानंद प्रभु के द्वारा जीव में संचारित होता है। तो आप अगर ये कृपा नहीं करेंगे तो और कौन आश्रय है। कंगबा दयालुम शरणं व्रजे, कोई दयालु नहीं है। जीव बने नाई एमन दयाल दाता, ऐसा कोई दयाल दाता नहीं है। एक बार देख ले चोखे जल, गौर बोल निताय दया सकल संबल। चांद बाउल गा रहे हैं, नाम का हाट, नामेर हाट, हाट माने मार्केट प्लेस। सुरभि कुंजेते नामेर हाट खुले चे खुद निताय। तो सुरभि कुंज में जो गोद्रुम, हम लोग बार बार गाते नित्यानंद प्रभु के साथ गोद्रुम द्वीप का बहुत कनेक्शन है। नदियां गोद्रुम में नित्या नंद महाजन, पतिया छे नाम हट जीवेर कारण। नदियां गोद्रुम में, गोद्रुम में सुरभि कुंज है। सुरभि कुंजे ते नामेर हाट खुले छे खोद निताय, बड़ सुखेर खबर ताय, बड़ सुखेर खबर ताय। बहुत सुख का खबर है ये कि सुरभि कुंज गोद्रुम धाम में श्री नित्यानंद राम ने खोद निताय, निताय ने खोद ये नाम का हाट खोला है। क्या है, कैसे, उस हाट में क्या बिक रहा है? ना प्रेम, कृष्ण प्रेम, उसका मूल्य क्या है? बहुत चीजों का, बहुत अमूल्य चीजों का मूल्य भी होता है, जैसे हीरे का भी मूल्य होता है, प्लैटिनम, बहुत रत्नों माणिक्यों का भी मूल्य होता है। शायद कोई अयोग्य व्यक्ति, कर्मी, पापी, तापी भी वो मूल्य देके वो रत्न पा सकता है, लेकिन प्रेम रत्न तो उन लोगों को नहीं मिलेगा। भले ही उनका बहुत बड़ा बैंक अकाउंट हो, भले ही उनका बहुत प्रतिपत्ति, प्रभाव, वर्चस्व हो, उनको तो प्रेम रत्न नहीं मिलने वाला है। क्यों नहीं मिलने वाला है? श्रद्धा मूल्य, भगवान नित्यानंद के चरणों में श्रद्धा उनको सहजता से प्राप्त नहीं है, सुलभ नहीं है। ये प्रेम रत्न तो ऐसा रत्न है जो इसको प्राप्त कर, हम प्रेम गाते ही भी प्रेम रतन धन पायो, प्रेम रतन धन है, रत्न शिरोमणि है। ये रत्न तो पहली बात तो ये रत्न जागतिक रत्न नहीं है, कहीं पे समुद्र के तट पे हो रहा है या किसी पर्वत मालाओं में इसको पाया जा रहा है, ऐसा तो संभव नहीं। कोयले के खान में मिल रहा है, ऐसा तो नहीं है। पहले तो बात ये, उत्पत्ति स्थल कहाँ है इसका? इसका उत्पत्ति स्थल है
भगवान नित्यानंद का हृदय, वही गुरु तत्व रूप प्रकाशित होते हैं, वही प्रेमदाता है कलयुग में। ये सारा तिसार समझ लीजिए, कलयुग में प्रेमदाता कौन है? नित्यानंद राय। अभी आप लोग सुनेंगे गौरांग महाप्रभु बोल रहे हैं कि मैं इनके द्वारा प्रेम देता हूं, इनके आश्रय में जो जीव हैं उनको प्रेम देता हूं इनके द्वारा। गौरांग महाप्रभु का भगवान का वाणी है, ये कभी असत्य नहीं हो सकता। तो नित्यानंद के महाजन स्वरूप गुरुदेव साक्षात नित्यानंद प्रभु, ये प्रेम रत्न का उद्गम एकमात्र स्थल है। अभी आप बोलेंगे गौड़ी संप्रदाय में लोग मानते हैं, और किस संप्रदाय में थोड़ी ना मानते हैं, अवश्य मानते हैं, गुरु है ना, सभी संप्रदाय में गुरु रूप है, नित्यानंद प्रभु ही हैं। श्रीपाद रामाचार्य कौन है? लक्ष्मण अवतार, वो नित्यानंद प्रभु ही हैं। और भी संप्रदाय में नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव हुआ है अलग अलग रूप से। ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ है जैसे गौड़ी संप्रदाय में हरिदास ठाकुर के रूप में, रामायण संप्रदाय में अग्रदास जी के रूप में, ठीक नित्यानंद प्रभु का भी नाना रूप से नाना संप्रदायों में वे अवतार करने, लेकिन वही एकमात्र कारण है उन संप्रदायों में भगवान के द्वारा प्रेम वितरण करने के लिए। तो गौड़ी संप्रदाय में भी नित्यानंद प्रभु, बलराम आदि जगुरु, उनके द्वारा ही प्रेम वितरित होगा, यही है। चाहे तुम उनको रामानुचार्य कहो, चाहे उनको नित्यानंद प्रभु कहो, वो एक ही तत्व है। तो नित्यानंद की कृपा के बिना तो ये भगवत प्रेम असंभव है, प्रेम रत्न प्राप्त नहीं होगा। और ये प्रेम रत्न जेहेतु नित्यानंद प्रभु का आश्रय गोचर है, नित्यानंद प्रभु का आश्रय के बिना प्रेम रत्न उद्गम ही नहीं होगा, उत्पत्ति नहीं होगा इस धरातल में। तो इसलिए ये बहुत अति अति दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। अकृत परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताय न करे बैराय। तो ये प्रेमदान जो ग्रहण नहीं करेगा, तो लोचन दास ठाकुर बोल रहे हैं, शेई पापी एलोआर गलो है नो अवतारे जार रती ना जन मिलो, लोचन बोले शे पापी एलोआर गलो। ऐसे परम दयालु दाता के चरणों में अगर किसी रति जन्म ग्रहण नहीं किया, लोचन दास ठाकुर बोल रहे हैं कि ये पापी तो आया और गया, सर्वस्व इसका सर्वस्व नाश हो गया, भले वो अंबानी हो, टाटा बिरला, जो भी हो। नित्यानंद प्रभु के चरणों में प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, उसका जीवन व्यर्थ हो गया। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक ये देखा, बहुत दिनों से इस कॉन में चल रहा है, हमारे भारत रत्न श्रीमती लता मंगेशकर जी का प्रयाण हुआ, तो सब लोगों ने पुरानी स्मृतियाँ निकाली कि वे प्रभुपाद के इस कार्य को बहुत ही महत्व देती थी, और उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम करके इस कंजुहू के जो गेस्ट हाउस है उसमें उस निर्माण कार्य में सहायता किया था। तो अवश्य ही अमोघ सुकृतिवान सेवा उन्होंने किया था, और हम लोग प्रार्थना भी करते हैं कि भगवान को सदगति दे, और सदगति शायद भगवत कृपा से और साधु के कृपा से अवश्य हुआ, प्रभुपाद कृपा हुआ तो होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन बाद में मैंने वीडियो देखा, उसमें देखा कि
कि उनके घर में कुत्ता था जो वो पालती थी, और उनके साथ ही उस कुत्ते के साथ ही हमेशा वे विचरण करती थी। तो मेरे मन में एक बहुत बड़ा एक दुख हो गया कि हे भगवान, सारा जीवन सब लोगों ने सब कुछ ठीक कार्य किया, ये भक्तिमती थी, वे अद्भुत गंधर्व विद्या के अधिष्ठात्री थी और संगीत कला में पारंगत थी, सब कुछ माने A1 था, लेकिन एक असत आचरण, पता नहीं उनका पता नहीं सदगति हो ना हो, जिस घर में कुत्ता रहता है उसका समस्त पुण्य सुकृति का नाश हो जाता है, जो स्पष्ट करता है कुकुर का देह। ये महाभारत में दिया गया है, क्योंकि कुत्ता शपथ है, इवन देवता लोग भी अगर कुकुर को स्पर्श कर दे, कुत्ते को स्पर्श कर तो स्वर्ग लोग नहीं जा सकते, ऐसा इंद्रदेव ने महाभारत में युधिष्ठिर महाराज को कहा था, जब वे लोग स्वर्गारोहण पर्व में, ये आप देख सकते हैं, उसका कुछ साइंटिफिक कारण भी है। समस्त अशुचिता अपवित्रता इन सब पशुओं के द्वारा, इसलिए तो पशु निम्न योनि है, गोमाता और पशु एक नहीं है। मनुष्य को गोमाता पालन करने के लिए कहा गया, भैंस कुत्ता इत्यादि नहीं, बिल्ली इत्यादि नहीं, इन लोग को भोजन दो बाहर, उसमें कोई मनाही नहीं, आप भोजन दो, प्रेम करो, जैसे वो लोग अपने हैबिटेट में रहते हैं वैसे रहने दो, सहायता करो उनको, ऐसा नहीं कि हम लोग उनके प्रति क्रूर व्यवहार करेंगे ना, लेकिन स्पर्श मत करो और गृह घर में उसका पालन नहीं करो। तो भगवान उनकी आत्मा को सदगति दे, मैं तो प्रार्थना करता हूँ, लेकिन बिचारी शायद ज्ञान का अभाव से उसको उनको पता नहीं है, तो अंतिम समय में देखा अरे कुत्ता पाल, कुत्ता को स्पर्श करके देह त्याग किया है, अंतिम समय शायद उनके साथ उनका कुत्ता नहीं था, भगवान ने शायद कृपा किया, लेकिन समस्त पुण्य जो कमाया तो खो दिया। ठीक ऐसे ही ऐसे बड़े बड़े व्यक्ति होते हैं, हाँ सब कुछ किधरे में पानी पड़ जाएगा अगर नित्यानंद प्रभु की शरण ग्रहण नहीं करेंगे। तो नित्यानंद प्रभु वो विग्रह हैं जो प्रेम का प्रेम रत्न देते हैं और श्रद्धा मूल्य में देते हैं, एक ही है श्रद्धा मूल्य। विनीत दीन भाव से नाम हाट में जाओगे, नाम ही प्रेम है, प्रेम रत्न ही नाम रूप धारण करते हैं, लेकिन वो एक समय में आके समझ में आता है, वही नाम से ही प्रेम प्राप्त हो जाएगा, तो वो प्रेम नाम प्रेम संकीर्तन का स्पर्श नित्यानंद प्रभु करवा देते हैं। संसारेर पार होई भक्तिर सागरे, जे डूबी बेशे भोजक निताये चांदेरे, वैष्णव चरणे मोरे मनस्काम, भोजी जन जन्मे जन्मे प्रभु बलराम। चैतन्य भागवत प्रथम अध्याय 77-78। संसार पार होने के लिए भक्ति सागर में डूबना पड़ेगा, संसार समुद्र पार करने के लिए भक्ति सागर में, भक्ति समुद्र में डूबना पड़ेगा, और कैसे, निताय चांद के भजन के द्वारा, उनके चरणों के भजन के द्वारा। वैष्णव चरण में वृंदावन दास ठाकुर का यही मनस्काम है कि जन्म जन्म में ऐसे प्रभु बलराम नित्यानंद के चरणों का भक्ति आश्रय उनको प्राप्त हो, ये वे अपना प्रार्थना भगवान नित्यानंद के चरणों में ज्ञापन कर रहे हैं। वे अवधूत चंद्र, महामल्ल, महामहेश्वर, नित्यानंद सिंह के रूप में जाना जाते हैं। श्री चैतन्य के इष्ट विग्रह भी माने जाते हैं, और आगे बोल रहे हैं, इष्ट देव बंद मोर नित्यानंद राय, चैतन्य कीर्ति सुरे जहार कृपाय, सहस्र बदन बंद प्रभु बलराम, जहार सहस्र मुखे कृष्ण जशोधाम।
महारत्न थुई जैन महाप्रिय स्थाने जशरत्न भंडार श्री अनंत वदने। अतएव आगे बोलो रामेर स्तवन करिले से मुखे सुरे चैतन्य कीर्तन सहस्रेक फनाधर प्रभु बोलो राम जतेक करे प्रभु सकल उद्याम। क्या सुंदर कहा है उनके इष्टदेव नित्यानंद राय और चैतन्य का कीर्ति उनके कृपा से स्फुरित होता है। सहस्त्र बदन इनको सहस्त्र बदन बोलते हैं, शेष बलराम जो सहस्त्र बदन अनंत शेष के रूप में विराज करते हैं और सहस्त्र मुख में कृष्ण जशोधाम है। कृष्ण 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 नाम हो रहा है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग को एक फैक्चुअल चीज़ बताता हूँ जो शास्त्र में पाया गया है, देवासुर संग्राम और जितने भी आप असुरों का आप वर मांगना सुनिए, चाहे वो जो भी हो, चाहे वो हयग्रीव हो, चाहे जो भी जितने भी सारे हयदाना इत्यादि भी हो, महिषासुर हो, जो भी असुर हो, एक ही है, अमरता का वरदान, अमर बना दो। और अमर कैसे बनते हैं ना, अमृत पान करके। हाँ, इसके लिए देवासुर संग्राम हुआ था समुद्र मंथन से, धन्वंतरी अमृत कलश लेके बाहर निकले, फिर गरुड़ जी का लीला के द्वारा ये अमृत कलश कुंभ जहाँ जहाँ कुंभ मेला होता वहाँ वहाँ स्थानों में वे रख रख के गए, तो वहाँ कुंभ मेला हो रहा है। तो ये और कुंभ मेला अमृत अमृतत्व लब्धते, वो महाअमृत स्नान शाही स्नान इत्यादि में अमृत निकल के आता है ऐसा बोलते हैं, तो उच्च लोग जाते हैं इत्यादि सब हैं शास्त्रों में। अमृत 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 सब जगह अमृत। हाँ, एक अमृत वो है, एक अमृत कृष्ण कथामृत है, तव कथामृतम तप्त जीवन। हाँ, तो दो प्रकार के अमृत हैं, एक साधुगण पान करते हैं, एक मर्तवासीगण हाँ पान करने की चेष्टा करते, पान तो कर नहीं पाएंगे। तो ये अमृत क्या है, यही अनंत शेष अनंत फन धारण करके जब कृष्ण गुणगान करते हैं उनका मुंह निरंतर कृष्ण 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 नाम करता रहता है, उनका जो लाल है जो सलाइवा है वो टपकता है, वही अमृत बन जाता है। री बोल कृष्ण नामामृत के संस्पर्श से एक सर्प के मुंह से जो लाल टपकता है वो अमृत बन जाता है, वही कलश में ग्रहण करके देवता लोगों को अमृतत्व प्राप्त अमृतत्व प्राप्त होता। आप देखिएगा कथाओं में भी ये सुस्पष्ट है, जब महाभारत कथा में भीमसेन को विष दे दिया गया, छोटे दुर्योधन ने दे दिया था जब वे बाल्यकाल में थे, तब वे नदी में जाकर गिरे और सांपों के ऊपर गिरे, तो सांप लोग दब गए तो उनको विष से दंशित करने लगे, तो वो जो विष पिया था इन्होंने जो विष दिया दंशन करके दोनों विषों में लड़ाई होकर विष विषक्षय हो गया, पुनर्जीवित हो गया। तब वो सर्प देवता के पास जाते हैं और वहाँ पे उन्होंने अमृत कुंभ देखा, सांपों के पास अमृत कुंभ होता है। ऐसे ही मंदोदरी के पिता के पास अमृत कुंभ था, तो ऐसे ही सर्प जाति नाग कन्या थी मंदोदरी रावण की पत्नी, तो आप लोग लगे सांप के पास विष होता है तो अमृत, इसलिए अमृत होता है, ये कारण है। हाँ, तो वो बलराम जी के लाल को ग्रहण करते हैं वही अमृत हैं, जिससे अमरत्व तो हो जाता है, कोई व्यक्ति कल्पिक आयु पा जाता है, अमरत्व तो नहीं उसको कल्पिक आयु बोलते हैं, बहुत काल तक जीवित रह सकता है और जवान रह सकता है। महारत्न थुई जैन महाप्रिय स्थाने यशोरत्न भंडार शनंत वदने। हाँ, भगवान कृष्ण ने ये महारत्न प्रेम रत्न उनके प्रिय स्थान में दे दिया है,
और वो भंडार कहाँ पे है? अनंत वदन श्री बलराम जी नित्यानंद प्रभु के चरणों में। अतएव आगे बलराम में स्तवन, इसलिए बलराम जी का स्तवन जो करता है उसके मुख में श्री चैतन्य कीर्तन होता है। और सहस्र के फनाधर प्रभु बलराम जते करे प्रभु सकल उद्दाम। तो भगवान नित्यानंद राय के कृपा कना प्राप्त करके कोई व्यक्ति ही समस्त जगत के आधार स्वरूप कृष्ण प्रेम, कृष्ण और कृष्ण के प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। सर्वावतारी कृष्ण स्वयं भगवान ताहर द्वितीय देह श्री बलराम एक ही स्वरूप दोहे भिन्न मात्र काय याद काय भूय कृष्ण लीलाए सहाय से कृष्ण नवद्वीपे श्री चैतन्य चंद्र से बलराम संगे श्री नित्यानंद। सर्व अवतारों के अवतार कृष्ण स्वयं भगवान है और द्वितीय देह जो है उनका काय भू हो वो है श्री बलराम जी। एक ही स्वरूप दो भिन्न मात्र काय, एक कृष्ण है एक सफेद है, और आद्य काय भू कृष्ण लीला सहाय, और ये जो कृष्ण लीला के सहाय में बलराम जी के सर्वोपरि है वो कृष्ण जो है नवद्वीप चैतन्य चंद्र है, वो बलराम जो है नित्यानंद भगवान है। वृंदावन दास ठाकुर जन्म वृत्तांत बोल रहे हैं। ईश्वर गाय आगे श्री अनंत धाम रारे अवतीर्ण होइला नित्यानंद राम माघ मासे शुक्ल त्रयोदशी शुभ दिने पद्मावती गर्भ एक चाका नाम ग्रामे हराए पंडित नामे शुद्ध विप्र राज मूले सर्व पिता ताने करे पिता व्याज। रार देश वर्धमान जिला के अंतर्गत, एक्चुअली यहाँ पे गलत लिखा, बीरभूम जिला के अंतर्गत एक चक्र गांव, एक चक्र यानी जहाँ पर भीष्म पितामह को जब भगवान कृष्ण एक रथ का पहिया चक्र उठा के उनको वध करने के लिए आ रहे थे, जब अर्जुन उनको वध करने के लिए अस्वीकार बार बार बोलने ही नहीं करूँगा भीष्म पितामह को, तो भगवान अपना वचन तोड़कर अस्त्र तो नहीं उठाया, तो अस्त्र ने क्या चक्र रथ का पहिया एक चक्र उठा लिया। और जब अर्जुन ने उनको मनाया तब भगवान ने तो हाथ में उठा लिया, भगवान ने उसको पूर्व दिशा में घुमा के फेंक दिया। तो भगवान ने फेंका है जिसको, इतने शक्तिशाली भगवान घूमते हुए वो चक्र के बाती एकदम घूमते हुए वो इस देश में आके गिरा। जेव तो उसका उत्तप्त अवस्था हो गया था घूमते घूमते, और भगवान शक्ति प्राप्त कर लिया, सुदर्शन जैसा उसको शक्ति हो गया था, तो उसके शक्ति प्रभाव से वो देश सूख गया, उसका नाम राड देश हो गया। तो वो एक चक्र ग्राम, वो एक चक्का गिरा तो एक नाम हो गया एक चक्र। तो वहाँ पे उससे पहले वहाँ पे पांडव लोग ऑलरेडी वनवास में जब थे तब वो लोग भ्रमण कर चुके थे, तो वहाँ पे जाके ये चक्का गिरा तो उनका नाम हुआ एक चक्र। इसको आज के ज़माने वीरचंद्रपुर भी कहते हैं। बंगाल में बहुत फेमस शक्ति धाम है, एकान्न पीठ में एक पीठ है, वो है तारापीठ। तारापीठ से बहुत नियर बाई है एक चक्र धाम, ज़्यादा दूर नहीं है शायद, आई थिंक 18 किलोमीटर लाइक ऐसा कुछ है। तो बहुत नियरेस्ट है, और इसको आज अद्यपि वीरचंद्रपुर, क्योंकि वीरचंद्र प्रभु हैं भगवान नित्यानंद राय के पुत्र। तो हराए पंडित जो कृष्ण लीला में वसुदेव थे, और पद्मावती जो रोहिणी थी वही नित्यानंद राम बलराम जी के माता पिता बने। और बहुत सुंदर एक चक्र धाम है, वहाँ पे एक नाड़ी पोता स्थान है जहाँ पे आप जानते हैं जब प्रथम संतान होते हैं उनका जो नाभि होता है उसको पहले लोग समाधिस्थ करते थे विधिवत, तो वो उधर वो नाड़ीपोता स्थान में
आज भी नित्यानंद भगवान का नाभि समाधिस्थ, नाभि का जो ऊपर का जो भाग होता है समाधिस्थ करते, वो वहाँ पे नाड़ी पोता है। और अद्भुत हाटोगाड़ा में जो उन्हें घुटना दबा के तीर्थ आह्वान किया था, तो वो तालाब पुष्करिणी अभी तक है। फिर पद्मा पुष्करिणी है जहाँ पद्मावती माता स्नान करने जाती थी, देख पीछे ही। और वो बड़ा सा एक पुष्करिणी है, लेकिन उसमें गंगा के समान पानी है, वो पानी हरा नहीं होता है, एक ताज्जुब की बात है। या उसमें एल्गी नहीं लगता है, ये बहुत चमत्कारी घटना वहाँ पे होता है। और जब भगवान नित्यानंद राय जन्म ग्रहण की, तब उनके साथ एक और पुत्र के रूप में, उनका एक बड़ा पुत्र के रूप में एक और पुत्र जन्म हुआ। नित्यानंद भगवान और वे पुत्र एक साथ ही बड़े होने लगे। वो दोनों साक्षात कृष्ण और बलराम ही थे जो वसुदेव पद्मावती के गर्भ से जन्म ग्रहण किए थे एक समय के पश्चात। और वे जो कृष्ण थे, वे बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ अलौकिक क्रियाओं से अपना काम कर लेते थे। जैसे किसी के खेत को जोत देना बहुत समय अल्पकाल में, किसी खेत की कटाई कर देना धान की, और बहुत अल्पकाल में सब कटाई करके ऊपर बैठ जाते थे। तो दिव्य अलौकिक लीला, तो नित्यानंद भगवान और ये कृष्ण भगवान स्वयं, ये दोनों एक साथ ही पले बड़े और खेलते थे। एक समय क्या हुआ, ये कृष्ण काली लीला प्रदर्शन करते हुए, वहाँ पे आज भी यमुना नदी बहती है, एक नदी का शाखा है एक चक्रधाम में, उसको यमुना नदी कहा जाता है। पहले वो नदी बड़ी थी, अभी छोटा सा कालक्रम में उसका जल सूख गया तो वो कम हो गई, लेकिन वो नदी यद्यपि है। तो नित्यानंद राम ने देखा कि वे उसमें कूद गए कृष्ण, नित्यानंद भगवान रोने लगे, मेरा भाई चला गया, नदी में कूद गए, प्रबल स्रोत में बह गए। तो कुछ देर के बाद उसी जगह से जहाँ पे वो कूदे थे, एक सुंदर काले कोष्टी पत्थर का एक विग्रह निकला। उस विग्रह से भविष्य मान आकाशवाणी हुई कि देखो, मैं ही साक्षात कृष्ण और ये मैं ही हूँ, अभिन्न देह है, इसका नाम है बंकू बिहारी, बांके बिहारी जी, बंकू बिहारी प्रकट हुई, अभिन्न कृष्ण कृष्ण विग्रही है, साक्षात कृष्ण है, स्वयंभू है। तो अभी मैं यहाँ से तुम्हारे साथ लीला किया, लेकिन अभी मैं कुछ दिन के बाद, कुछ सालों के बाद मैं नवद्वीप धाम में साक्षात अवतीर्ण होगा, तब तुम मेरे साथ मेरा मिलन होगा, ऐसे करके अदृश्य हो गए। और आज भी ये विग्रह बंकू बिहारी जी एक चक्र धाम में हैं, और वे विग्रह में ही भगवान नित्यानंद राय विलीन हुए थे, जैसे महाप्रभु जगन्नाथ विग्रह और गोपीनाथ विग्रह में विलीन हो गए थे, ठीक ऐसे ही नित्यानंद प्रभु बंकू बिहारी विग्रह में, जो कि एक चक्र धाम में है, वहां पे उन विग्रह में प्रविष्ट हो गए थे। तो इसका कई प्रमाण भी है जो अपने आंखों से देखा भी है। उनका पवित्र काय बपू जो है वो संसार में नहीं है, क्योंकि वो तो साक्षात भगवान थे, वो विलीन हुए थे। टोटा गोपीनाथ में भगवान महाप्रभु जैसे विलीन हुए थे सबके सामने, और जगन्नाथ जी में एक रूप में, दो रूपों में भगवान विलीन हुए थे। तो ये ब्राह्मण राड़देशीय ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, हराय पंडित, और इनका नाम था हराय ओझा एक्चुअली। और पद्मावती के घर में, और तब से राड़ देश में बारिश होना शुरू हुआ, बहुत शुभ देश, समस्त अमंगल दूर हो गया, और बहुत खेती होने लगा। आज भी बहुत आलू का खेती होता है वहां पे।
और 13 साल के बाद जब गौर सुंदर नवद्वीप में आविर्भूत हुए तब नित्यानंद प्रभु ने एक हुंकार किया था। तो ये हुंकार से उनके सब लोग सोचे कि भगवान शंकर यहाँ पे मौड़ेश्वर नाम से प्रसिद्ध हैं, इन्होंने उनका हुंकार किया है, या बहुत जोर वज्रपात हुआ है, या भगवान गर्जन किए हैं, नाना कथा बोलने लगे। लेकिन एक्चुअली उन्होंने हुंकार किया था कि मेरे प्रिय इष्ट श्री राधा कृष्ण गौर हरि वे अवतीर्ण। नित्यानंद प्रभु एक्चुअली साक्षात नित्यानंद बलराम तो है ही, अनंग मंजरी भी हैं। नित्यानंद ही अनंग मंजरी के रूप में भगवान राधा कृष्ण के निकुंज सेवा में रतिकेली सिद्धे रतिकेली सेवा में नियुक्त रहते हैं और नित्यानंद के रूप में वो प्रेम गाथा बनते हैं। तो वे जान गए मेरे प्रेम के आस्पद जो हैं वे प्रकट हो चुके हैं गौर हरि, हुंकार करते। इसके बीच में एक घटना हुई, एक शिशु लीला जब वो थे बचपन में तब एक बहुत सुंदर लीला यहाँ पे वर्णन किया वृंदावन दास ठाकुर ने कि शिशुगण संग प्रभु जत पीड़ा करे श्री कृष्णेर कार्य बिना आर नाहि स्फुरे देव सभा करेन मिलिया शिशुगणे पृथ्वीर रूपे केहो करे निवेदने तबे पृथ्वी लइया सबे नदी तीरे गी जाए शिशुगण मेलि स्तुति करे ऊर्ध्वराय कोनो शिशु लुकाइला ऊर्ध्व करि बोले जन्मिबा गिया आमि मथुरा गोकुले कोनो दिन निशा भागे शिशुगण लइया वसुदेव देवकीर कराइन बिया बंदी घर करिया अत्यंत निशा भागे कृष्ण जन्म कराइन केहो नाहि जागे गोकुल श्रीजिया तति आने न कृष्णे रे महामाया दिला लोया भांडिला कंसेरे कोनो शिशु साजाएन पुतनारे रूपे केहो स्तन पान करे उठी तार बुके। तो बचपन से ही वे कृष्ण लीला डिटेल में अपने जो दोस्त हैं उनके साथ वे लीला जो आस्वादन करते थे, यानी कि ड्रामा कर कर के। एक्चुअली ये बहुत अद्भुत अलौकिक लीला है। नित्यानंद भगवान वो जो भाग्यवान शिशुगण उनके साथ खेल रहे हैं लीला के माध्यम से एक्चुअली साक्षात लीला में प्रवेश करवा रहे हैं। यही नित्यानंद भगवान का ये दो जगह उद्धृत होता है कि वही लीला प्रवेश करवाने में सक्षम है। आप नित्यानंद प्रभु के चरणों में आश्रय रहेंगे तो आपका अवश्य लीला प्रवेश हो जाएगा। इसी को तो परिकत्व प्राप्त होना, मंजरी देह लाभ होना। तो कभी जैसे पृथ्वी गई थी समुद्र के तट पर शिव सागर में और अवतरण के लिए आह्वान किया था भगवान, तो ऐसे किसी पृथ्वी सजा के उस जमुना नदी है वहां पर ले जाते, बोले तुम आह्वान करो और खुद ही फिर विष्णु बनते थे और वे बोलते थे कि हाँ मैं अवतरण होऊंगा कृष्ण रूप में जन्मूंगा, मैं मथुरा का कुल में जन्म ग्रहण करूंगा और वसुदेव देवकी किसी को सजा के उनको विवाह करवाते थे और बंदी घर में उनको बंदी करवाते थे निशा भाग में, एकदम एग्जिटिस लीला हो रहा है और कृष्ण जन्म करने कराते थे और गोकुल सृजन करके गोकुल बना के नदी पार करके वसुदेव को कृष्ण लेके जाना है उस पार, ऐसे नाटक मान लाइव नाटक होता था। और महामाया कंसे के कारागार में बोलती थी कि तेरा जन्म लेन तुझे मारने वाला जन्म हो गया, सब लीला वो शिशुओं के साथ करते थे और ये ड्रामा उनका नित्य विहार था। ये लीला प्रवेश प्रवृत्ति उनका जन्म से ही था क्योंकि वो आज सब लोग अच्छा कहते ये होते थे कि ये लोग तो देखो पाठशाला में गए नहीं, ये लोग पढ़े नहीं हैं इतने रामायण और कृष्ण लीला भागवतम की, तो लोग जानते कैसे कि एग्जैक्ट ये लीला, तब तो टीवी नहीं है, तब तो रामायण कृष्ण लीला सीरियल नहीं हो रहा रामन सागर का कि देख देख के सीख जा रहे हैं। आज लोग देख के भी ये सब नहीं करते, रुचि नहीं रखते। तो उस जमाने में वो कैसे एक बच्चा ऐसा ऐसा लीला कर रहा है, कैसे जानता है, जैसे यहाँ पे दिया कि पुतनाग बनाया किसी को और कोई उसका स्तनपान करने कृष्ण जो बनाया वो स्तनपान कर उनके उनके छाती में उठ जा रहा है, तो ऐसे करके ये विभिन्न डिटेल लीला ये कैसे पता नित्यानंद भगवान को बचपन में। एक दिन क्या हुआ,
কোনো দিন নিত্যানন্দ সেতু বন্ধ করে, বানরের রূপ সব শিশুগণ ধরে, ভেরেন্ডার গাছ কাটি ফেলায় না জলে, শিশুগণ মিলি জয় রঘুনাথ বলে, শ্রীলক্ষ্মণ রূপ প্রভু ধরি আপনে, ধনু ধরি কোপে চলে সুগ্রীবের স্থানে, আরে রে বানরা মোরে প্রভু দুঃখ পায়, প্রাণ না লইম যদি তবে ঝাঁটে আয়, মাল্যবান পর্বতে মোর প্রভু পায় দুঃখ, নারীগণ লইয়া বেটা তুমি কর সুখ, কোনো দিন ক্রুদ্ধ হইয়া পরশুরামে রে, মোর দোষ নাহি বিপ্র পলাহ সত্ত্বরে, লক্ষ্মণের ভাবে প্রভু হয় সেই রূপ, বুঝিতে না পারে শিশু মানে কৌতুক, ইন্দ্রজিৎ বদলীলা কোনো দিন করে, কোনো দিন আপনে লক্ষ্মণে ভাবে হারে, বিভীষণ করিয়া আনন্দে রাম স্থানে, লঙ্কেশ্বর অভিষেক করেন তাহানে, কোনো শিশু বলে মুই আইলু রাবণ, শক্তিশীল হানি এহ সম্বর লক্ষ্মণ, এত বলি পদ্মপুষ্প মারিল ফেলিয়া, লক্ষণের ভাবে প্রভু পড়িলা ঢালিয়া ঢলিয়া। তো রামলীলা কত ডিটেল নেই, সেতু বন্ধ করনে কে লিয়ে সমস্ত শিশুগণ কো বে বানর কা রূপ ধারণ করবা দেতে হ্যাঁ, আর ভেরেন্ডা কা জো এক পেড় হোতা হ্যায়, ভেরেন্ডা কা এক পেড় হোতা হ্যায়, উসকো কাট কাট কে জো মানে রেডি রেডি কা পেড় নরম হোতা হ্যায় তো উসকো জল মে ফেক কে ও লোগ সেতু বানা দেতে হ্যায়, या कदली का कांड उसको फेंक के। सर वो लक्ष्मण जी की जय रघुनाथ जी की जय से बच्चे लोग बोलते थे, धनुष बाण बनाते थे। हाँ फिर एक बार किसी को सुग्रीव बना के सुग्रीव को वो उलाहना देते थे, ऐ सुग्रीव बदमाश, मेरे माल्यवान पर्वत मेरे भगवान दुख पा रहे हैं और तू यहाँ पे विलास कर रहा है, चल जाके मेरे भगवान का सेवा कर, ऐसे क्रुद्ध होते थे। तो लक्ष्मण का जो भाव था वो उनमें आविष्ट हो चुका था। एक बार इंद्रजीत बदलीला में वे लक्ष्मण भाव से हार गए और विभीषण को राम के स्थान में बुलाकर लंकेश्वर अभिषेक भी करवा दिया। एक शिशु बोला कि मैं रावण हूँ और शक्तिशील उन पर छोड़ दिया, तो लक्ष्मण को शक्तिशील लग के और एक शक्तिशील बोल के छोड़ा तो एक लोटस फ्लावर को फेंक के मारा नित्यानंद प्रभु के ऊपर। तो लक्ष्मण के भाव में वो जैसे लक्ष्मण शक्तिशील पाके बेहोश हो गए थे, मूर्छित हो गए थे, हाँ ठीक ऐसे हो गए। तो जब वे मूर्छित हो गए तब शिशुगण सब लोग उठा रहे हैं, उठ जा कोई भगवान का कोई इवन श्वास भी नहीं चल रहा है। बच्चे लोग डर गए, बहुत काल व्यतीत हो गया, पूरा दिन पार हो गया, रात्रि हो गया, सब लोग में पूरा हलचल मच गया कि निताई का कुछ हुआ है। तो बोल रहे कि वैद्य को बुलाया गया, वैद्य ने कहा कि भावाविष्ट हो चुका है। बच्चों से पूछा तुम लोगों में से कोई हनुमान है, बोले हाँ। उनको क्या करने के बोलता नेक्स्ट, बोले औषधि लाने के बोलता, औषधि लाओ जीवित हो जाएगा। तो वे हनुमान रूप से आए और जब औषधि दिया तुरंत नित्यानंद प्रभु बैठ गए जय श्री राम करके। तो ऐसा डीप भगवान नित्यानंद राय लक्ष्मण के आवेश में चले जाते थे, वे साक्षात लक्ष्मण है इसमें तो कोई संदेह नहीं है। हराय पंडित पद्मावती का एकमात्र नयन मन, जैसे दशरथ जी और उनके माता कौशल्या ने और सुमित्रा ने राम लक्ष्मण को विश्वामित्र के हाथ में दे दिया, तो एक दिन क्या हुआ, वैष्णव सन्यासी आया, वे हराय पंडित घर में रहे और भगवान का सेवा किया, कृष्ण कथा किया नित्यानंद प्रभु के साथ। नित्यानंद प्रभु बहुत आकृष्ट हो गए और वे सन्यासी भी चाहते थे कि वे नित्यानंद को लेके जाए अपने साथ, समस्त तीर्थ भ्रमण करवाएं और वहाँ पे उपदेश दें। तो वैष्णव सन्यासी ने ये हराय पंडित और पद्मवती के सामने आयु व्यक्त किया, तो बहुत दुख होने के बाद भी, क्योंकि वैष्णव सन्यासी है, सन्यासी का आज्ञा शिवधारी गृहस्थों का, उन्होंने माना और बोला मैं लौट के आऊँगा।
तो सोचिए महाराज पंडित पद्मावत अपने एकमात्र पुत्र नयनमणि को वैष्णव सन्यासी को दे देते हैं और वे वैष्णव सन्यासी के साथ चले जाते हैं। और तीर्थ करते करते पश्चिम भारत में जब नित्यानंद प्रभु गए, स्पेशली पंडरपुर, तो माधवेंद्र पुरीपाद के साथ साक्षात दर्शन हुआ। दोनों उभय को देखकर प्रेमालिंगन किए और बहुत रुदन किए कृष्ण के विरह में। ऐसा कहते हैं कि माधवेंद्र पुरीपाद ने ही मंत्र दीक्षा दिया था नित्यानंद प्रभु को। और उस समय ईश्वरपुरी भी थे उस यात्रा में। तो ऐसे करके नित्यानंद प्रभु विलास किए। फिर वे धनुष तीर्थ, विजयनगर, अवंती देश, गोदावरी, ये सब पूरी धाम में आए, जगन्नाथ दर्शन किया। उसके बाद वे ब्रजमंडल में गए। ब्रजधाम में जाकर नित्यानंद प्रभु अपूर्व प्रेमावस्था को प्राप्त हुए। निरवधि वृंदावने करे न वसति, कृष्णेर आवेश न जाने दीवारिति दीवाराति, आहार नाही कदाचित दुग्ध पान, सेई यदि अजाचित कहे करे दान, केहो करे दान। तो वृंदावन में वास करने लगे दीवा निशी वे कृष्ण नाम और कृष्ण के आवेश में प्रेमावेश में रहते थे। कोई कोई दुग्ध देते तो पाते थे, नहीं तो अजाचित रूप से वे विचरण करते थे। इतने में वो समय आ गया जहाँ पर ईश्वरपुरी पाद ने गया धाम में भगवान महाप्रभु को मंत्र दीक्षा दिया और महाप्रभु का आत्मप्रकाश हुआ और वे संकीर्तन आंदोलन इति मध्य में शुरू कर दिए थे। तो वृंदावन में जब कृष्ण को खोज रहे हैं नित्यानंद प्रभु, कहाँ है कृष्ण गोवर्धन में, कहाँ है कृष्ण, खोज नहीं पा रहे हैं। तब भगवान कृष्ण ही आकाशवाणी करते कि मैं यद्यपि नवद्वीप मायापुर में अवतीर्ण हुआ हूँ, तुम मेरा संग यहाँ पे पाओगे। वे स्वतः दौड़ते हुए चले आए नवद्वीप गौड़ देश में, नवद्वीप धाम में, और भगवान महाप्रभु के पार्षद नंदन आचार्य के घर में वे आश्रय ग्रहण किए। और अपलक नयन में भगवान श्री कृष्ण को कलयुग में कैसे वो अवतरित हुए हैं उसका एक मनोकल्पित मूर्ति मन में छवि एक बनाकर उसको दर्शन करने लगे। और वो गौर मूर्ति था, ये देख के वो चौंक गए कि वे गौर मूर्ति दर्शन कर रहे हैं। फिर देखा उसी गौर मूर्ति से राधा और कृष्ण दोनों विग्रह प्रकट हो गए और फिर वही गोविंद से गो, राधा से रा, दोनों मिलके हुआ गोरा गोरा चांद। तो वे गौर हरि बन गए। तो वे समझ गए कि अभी अधुना मेरे श्याम सुंदर गौर सुंदर बन गए। ये तो उन लोग ध्यान में ही उन्होंने देख लिया था। इधर भगवान जैसे बलराम जी प्रकट हो गए हैं नवद्वीप धाम में, तो भगवान गौरराय पीछे क्यों हटे? उन्होंने सपना देखा कि एक सुंदर तालध्वज रथ उनके घर के सामने रुका, उसमें से एक विराट पुरुष नील वस्त्र परिहित होकर हल और गदा लेके निकला। और वे पूछ रहे हैं कि घर में आके पूछ रहे हैं कि क्या ये निमाय पंडित घर हैं, क्या ये निमाय पंडित घर हैं, और मैं कल तुम्हारा दर्शन करने आऊँगा, मैं दर्शन प्राप्त होऊंगा। भगवान सुबह सुबह बोल रहे हैं कि मैंने ब्रह्म मुहूर्त में ये सपना देखा, ये सत्य है और मेरा हृदय व्याकुल हो रहा है। हे हरिदास, हे मेरे पार्षद जन, आप लोग जाके खोजो। सब लोग खोजने लगे, कहीं नहीं मिले। भगवान महाप्रभु खुद जाके बोल रहे हैं कि मैं चलता हूँ। और वे स्वतः दौड़ते हुए चले आए पहले नंदनाचार्य घर में। आके देखते हैं कि एक सुंदर खट्टा में नील वसन परिहिता, शुभ्र कांति देदीप्यमान, सहस्र सूर्य कोटि समान एक मुक्त पुरुष बैठे हुए हैं ध्यानमग्न। जब उन्होंने देखा कमल नयन भगवान को देखा,
दोनों की दृष्टि का मिलन हुआ तब अजहर्य अश्रुधार बह रहा है और दोनों एक दूसरे को देख के रो रहे हैं। आज भी मिलन स्थली मायापुर जाते हुए अगर आप लोग कृष्णनगर से जाते हैं तो खिया पार जब करेंगे तो वो रास्ते में पड़ता है निताय गौर मिलन स्थली। वो अत्यंत पवित्र स्थान है। भगवान हुंकार करके उनको आलिंगन किए और वे भगवान को देख रहे हैं नित्यानंद प्रभु कि मेरे श्याम सुंदर का दर्शन। ओहो क्या अद्भुत दृश्य है। सही भक्त लोग हरिध्वनि कर रहे हैं। इतने में श्रीवास पंडित भागवतम का एक श्लोक उच्चारित करते हैं जिसमें कृष्ण का गुण वर्णन है, कृष्ण के रूप का वर्णन है। वो सुनते नित्यानंद प्रभु हुंकार करके अपने छाती को चीरने लगे और मिट्टी में लोटने लगे, लोटपोट करने लगे और बिहल अष्टसात्विक महाभाव परिदर्शन हो रहा है। सब लोग हरिध्वनि कर रहे हैं और नित्यानंद प्रभु को पाकर गौर महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु बोलते हैं कि ये मेरा रत्न है, मैं इनकी प्रतीक्षा में था और इनकी अभिलाषा से ही मैं नवद्वीप में लौट के आया हूँ। हरिनाम संकीर्तन ये मेरे संकीर्तन के प्रधान प्रचार में प्रधान मुखिया बनेंगे। नित्यानंद प्रभु के साथ बहु विलास किया। श्रीवास पंडित अपने घर में लेके गए और मालिनी श्रीवास अपने पुत्रवत नित्यानंद प्रभु को लालन पालन करने लगे। नित्यानंद प्रभु मालिनी माता के साथ एकदम शिशुवत आचरण करते थे, एकदम शिशु और बहुत सुंदर देखने में नित्यानंद प्रभु। कभी वो रोते, कभी खाते ही नहीं। कृष्ण विरह में अपलक नयन में वे कृष्ण विरह में मग्न रहते। सिद्धावस्था तो असन्यासी थे एक्चुअली, ये यहाँ पर वर्णन किया गया है। लेकिन एक दिन दंड तोड़ देते, कमंडलू फेंक देते नित्यानंद प्रभु। फिर गौर सुंदर प्रभु भगवान बोलते हैं कि उसको कोई जरूरत नहीं है। ये सन्यासी क्या है, सन्यासी है बलराम जी। हाँ ये सन्यास शिरोमणि के भी अधिष्ठाता देवता है। इनको कोई ये सब वर्णाश्रम धर्म कर्म ये सब उनको लागू नहीं होता। नित्यानंद प्रभु अपने केशों के साथ और नील वस्त्र परिहित होकर हमेशा बटुक वेश धारण किया, सन्यासी नहीं ग्रहण नहीं किया था। बटुक ब्रह्मचारी का भी दंड होता, कमंडलू होता है, तो ब्रह्मचारी वेश था तो वो उन्होंने त्याग दिया और वो दंड तोड़ दिया और कमंडलू को फेंक दिया। एक बार नित्यानंद प्रभु ने व्यास पूजा में भगवान श्री गौर हरि को माल्य अर्पण करके व्यास घोषित किया और उनका सेवा किया और भगवान गौर हरि ने भी अपना माल्य नित्यानंद प्रभु को पहनाया। ऐसा करके उन्होंने घोष किया कि नित्यानंद के बिना मुझे कोई नहीं पा सकता। नित्यानंद प्रभु को भगवान महाप्रभु ने अपने घर में भोजन का निमंत्रण किया। एक्चुअली सची माता ने देखा कि निताई जो है कोई नहीं बलाई है, ये बलराम है। और दोनों भाइयों को पाद प्रक्षालन करवा किचन ठाकुर ने बैठाया। माता ने बहुत सुंदर रंधन पाक किया और डायरेक्ट उनको भोग पवाया और देखा कि साक्षात कृष्ण बलराम खा रहे हैं। ये सती माता ने किसी को नहीं बोला और आनंद मग्न होकर बहुत ही रुदन करने लगी और अपने सौभाग्य का गणन करने लगी। तो ऐसे करके बहु लीला गौर नित्यानंद के साथ। आप लोग जानते हैं इसके बाद एक घटना घटती है। नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर को और अद्भुत आचार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको दर्शन करते हैं, गौर नित्यानंद को उनके पादप पंकज को पूजा करते हैं। शांतिपुर में भी बहुकाल नित्यानंद भगवान रहे और घूमते 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 प्रचार करते थे और भगवान महाप्रभु का आज्ञा हुआ कि आप जाओ और नगर नगर में मेरा संदेश प्रचार करो। क्या बोलना है, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, यहाँ बोई आर ना बोलीबे ना बोलीवा ना बोलाइबा। यही तीन चीज बोलना है और ना आपको और कुछ बोलना है और कुछ और बुलवाना है, यही तीन शिक्षा। इस समय होता है इनकाउंटर जगाई और मलाई के साथ।
जगन्नाथ और माधवानंद ये दो ब्राह्मण पुत्र, आप घटना जानते हैं कैसे उद्धार होता है इनका, नितिन प्रभु कृपा से उद्धार होता है एक्चुअली। और गौर सुंदर श्याम सुंदर रूप धारण करते हैं उनका पाप हरण करके, और जगन्नाथ और माधवानंद को वो प्रेम प्राप्त होता है जो प्रेम ब्रह्मा आदि देवताओं को प्राप्त नहीं हुआ। और ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन नितिन प्रभु कृपा से कि अंतिम समय तक वे लोग जिस घाट में सब कुछ बताते थे एक समय में, उसी घाट में दंत में चिन्ह धारण करके उस घाट को हमेशा मार्जन करते थे, कृष्ण का नाम लेते थे और अश्रु बहता था, अपने अश्रु से वो गीला करके वो घाट को सबके लिए सफाई करते थे हमेशा, ये सेवा करते थे कि समस्त नवद्वीप वासी अति धन्य हैं कि वो लोग गौरांग महाप्रभु के संबंधी हो गए। तो इन सबका वैष्णव बुद्धि से सेवा करना एक परम लक्ष्य है, सबको देख कर प्रणाम करना, जो एक समय सबको सताते थे वो सबको प्रणाम करने लगे और छीनकाय हो गए, खाना पीना छोड़ दिया, कृष्ण नाम ले रहे हैं और दिन रात रो रहे हैं हाँ कृष्ण करके। जगाई माधव का ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन नितिन प्रभु कृपा से हो गया, ये है वास्तविक चमत्कार। प्रभुपाद जी ने भी ऐसा कृपा किया सभी म्लेच्छों को और वे लोग भी कृष्ण नाम में मत हो गए। तो अद्यपिया किचुलीला करे गौर राय, कोनो कोनो भाग्यवान है देखी वाले पाए, कोई कोई भाग्यवान उसे देख सकता है, लीला सबके बोधगम में नहीं है, बहुत भाग्यवान होना चाहिए। और वो भाग्य कैसे जगता है, प्रभुपाद जैसे संत के संसर्ग से, भाग्य उदय भक्तों के संस्पर्श से होता है, ऐसे भाग्य उदय नहीं होता है। कलिहत जीव का स्वतस्फूर्त रूप से उद्धार कैसे संभव है, संभव ही नहीं है। तो यह है नित्यानंद प्रभु की कृपा। कोई नित्यानंद प्रभु की कृपा कैसा था, अवधूत तो एक बच्चा जा रहा है उसके गाल को नोच लिया ऐसे करके, बोल कृष्ण, बच्चे ने कृष्ण कृष्ण कर रो दिया। तो वो बच्चा उस स्थिति को प्राप्त हो गया जहाँ पर कृष्ण कृष्ण करके रोता है, ये नित्यानंद प्रभु की कृपा है। अवधूत खेत के पंगडंडियों से जा रहे नित्यानंद प्रभु प्रेम डुलुडुलु अवतार, सामने एक मुस्लिम महिला हिजाब पर क्या पहन के आ रही हैं, उसका हिजाब खोल के दिया, बोले ए तू मुझसे निकाह करेगी, तो डर के मारे रो दी। तो मुसलमान महिला कृष्ण प्रेम रोने लगी, कृष्ण कृष्ण कर। तो ऐसा अवधूत का कृपा किसी किसी भाग्यवान के ऊपर हो रहा है। और मैं समझता हूँ मैं वो भाग्यवान नहीं हूँ, इतने लोगों का कृपा मुझे नहीं मिला, इन आशा में हूँ कि अवश्य मिलेगा गुरु महाराज की कृपा से, प्रभुपाद कृपा से। तो ऐसे करके बहुत विलास करते थे, लेकिन उनका मेन प्रमुख जो लीला है वो बंगाल देश में, बंग देश जो है महाप्रभु ने उनको दिया। महाप्रभु पसंद नहीं करते थे जब संन्यास लीला में बार बार पुरी में आते थे, नित्यानंद तुम यहाँ पे आते हो मेरा दर्शन करने के लिए, संग पाने के लिए, लेकिन तुम इतने स्वार्थी कैसे हो गए हो, बंगाल में जाओ तुम आ गए यहाँ प्रचार कार्य सब छोड़ के, वो लोग तो हाँ सब लोग हरिनाम छोड़ के बैठ जाएंगे फिर से, ये कली काल है, यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलना चाहिए, नहीं तो कली काल में लोग आलस्य प्रमाद से भरपूर हैं, जैसे कोई शक्ति चला जाएगा सब छोड़ छाड़ के बैठ जाएंगे, कलयुग का अवस्था है। तो उनको हमेशा उनके साथ रहना, उनके साथ उनको मार्गदर्शन देते रहना, उनको हरिनाम देते रहना, तो एक समय जाके वो लोग एक निष्ठा के स्तर पर पहुँचेंगे। तुम जाओ बंगाल में, तुम क्यों आते हो यहाँ पे, तो मेनली बंगाल प्रचार करते थे, तो करते करते पानीहाटी धाम में आए, राघव पंडित के पास जा रहे थे एक्चुअली, पानीहाटी धाम में गंगा तट पे वट वृक्ष के नीचे एक पिंडा के ऊपर बैठे और तब
गोवर्धन दास और हिरण्य हिरण्य गर्वदास जी का भतीजा और उनका पुत्र श्री रघुनाथ दास ठाकुर गोस्वामी जो इंद्रतुल्य संपत्ति ऐश्वर्य को प्राप्त थे, वहां पे उनको दंड महोत्सव में दंड दिया और कहा कि सब लोगों को दही चीरा भोजन करवा। यद्यपि पानीहाटी गांव में सोतपुर में नित्यानंद प्रभु के इस स्मारक लीला को स्मरण करते हुए पानीहाटी चीरा दही महोत्सव होता है, वो भी गंगा पूजा के बाद जो त्रयोदशी आता है उसमें होता है, पांडव एकादशी के बाद सब त्रयोदशी से युक्त है भगवान का लीला नित्यानंद राय का। तो और रघुनाथ गोस्वामी को विशेष कृपा की, उनका उनके सर पे चरण धर दिया, विशेष आशीर्वाद किया और तब जाके वो ब्रज लीला में प्रविष्ट हो गए रघुनाथ गोस्वामी। जाके महावैराग्य पैदा हुआ, सोचिए तब लोग स्पर्श मात्र से, और महान वैरागी बने रघुनाथ दास गोस्वामी, स्वर गोस्वामी में से एक है। और राघव भवन में उनका नित्य लीला हुआ नित्यानंद प्रभु का महासंकीर्तन, सब भक्त लोग में ऐसा सिद्धियां आ गई कि वे लोग पेड़ ले लेके नाचने लगे और उस पेड़ में भी सब भक्त लोग नाच रहे हैं ऑलरेडी, उसको लेके एक व्यक्ति नाच रहा है, कोई उड़ रहा है इधर उधर से शाय शाय शाय, जैसे हैरी पॉटर में है ना सब उड़ते थे, वैसे लोग ऐसे ही उड़ रहे हैं, कीर्तन प्रभाव से सारा रात कीर्तन हो रहा है। और राघव भवन राघव पंडित कौन है, धनिष्ठा सखी, वही राघव पंडित के रूप में। देखिए महाप्रभु का चार ठाई है, सचित रंधने जहां सची माता रंधन करती है कुकिंग करती है, वहां पे महाप्रभु का नित्य निवास है। श्रीवास अंगने, श्रीवास ठाकुर के संकीर्तन जहां शुरू किया था उसके आंगन में महाप्रभु का नित्य निवास, अद्यपि महाप्रभु वहां पर लीला करते हैं, महाप्रभु कह के गए हैं। और चिंतनंद नर्तने, नित्यानंद प्रभु जहाँ पर नृत्य करते हैं वहाँ पर नित्यानंद प्रभु के साथ गौरंग महाप्रभु भी निवास करते हैं। नित्यानंद प्रभु का नृत्य नर्तन का एक अलग मीनिंग भी है, नित्यानंद प्रभु नृत्य यानी नित्यानंद प्रभु आगे नृत्य करेंगे आपके सामने ऐसा नहीं, नित्यानंद प्रभु नृत्य माने प्रचार कार्य, नित्यानंद प्रभु नृत्य करके नामहट प्रचार करते थे गांव गांव में जाके। तो नामहट जहाँ जहाँ प्रचार होता है, जहाँ जहाँ गौरांग महाप्रभु का विशेष वाणी का प्रचार होता है वहाँ पे वो नित्यानंद प्रभु साक्षात रहते हैं, माने वो नित्यानंद प्रभु नर्तन कर रहे हैं ऐसा माना गया है। जैसे हम लोग ग्रंथ वितरण को बृहत मृदंग बोलते हैं, मृदंग का जैसे शोर होता है ना उससे सब लोग जाग जाते हैं, ठीक ऐसे आत्मा सोई हुई है, ये ग्रंथ के शोर से लोग जाग जाएंगे, आत्मा जाग जाएगी, इसे बृहद मृदंग बोला गया, उसका माने उसका अर्थ को ऐसे व्याख्या किया गया, ठीक। नित्यानंद नर्तन यानी नित्यानंद प्रभु जहाँ प्रचार करते थे, जहाँ नामहट प्रचार हो रहा है, जहाँ पे हरिनाम प्रचार हो रहा है, हरिनाम संकीर्तन हो रहा है, वहां पे गौर निताई का नित्य निवास है। और राघव भवन है, महाप्रभु का चार ठाई है, राघव भवन में श्री गौर सुंदर नित्य निवास करते हैं, दिन में एक बार गौर हरि आते हैं। मैं कुछ दिन पहले मेरा सौभाग्य हुआ पानीहाटी धाम में श्री राघव पंडित के घर में गया और अद्भुत राधा रमन जी का दर्शन हुआ, श्री मदन मोहन का दर्शन हुआ और श्री गौर निताय के विग्रह का दर्शन हुआ, बहुत सुंदर दर्शन और जीवन पवित्र हो गया। यद्यपि उस जगह पे गौरांग महाप्रभु दिन में एक बार आते हैं, भगवान ने कहा है। तो राघव झाली, राघव पंडित जब गौर देश से लोग पुरी में जाते थे साल में एक बार रथ यात्रा के पहले, तब राघव पंडित बहुत सारा उपादेय खाद्य सामग्री गौरांग महाप्रभु के लिए भेजते थे, एक झोला था बस्ता बना बना के भेजते थे, इसको तो बोलते राघव झाली फेमस था, उसमें अचार अम्ल पाक सूखा मोआ मुड़की इत्यादि बना बना के भेजते थे महाप्रभु के लिए, जो महाप्रभु सारा साल खाते थे एक्चुअली थोड़ा थोड़ा करके। तो वो राघव पंडित के घर में
चंद्र प्रभु आविर्भूत हुए इस पानियाडी फेस्टिवल के बाद ही, और ऐसा सिद्धि सब में कीर्तन हो रहा है। और राघव पंडित विरक्त हो गए, बोला रे इतना खाता है और तू मेरा बगीचा तोड़ दिया है, निकल निकल यहाँ से। उनके साथ माने दोस्ती जैसा संबंध था, ठीक है चले जाऊंगा, तू मुझे कदम वृक्ष के कदम फूल का माला पहना दे, चल क्या वो दो का माने संग है एक दूसरे का। बोले कदम फूल कहाँ है कदम फूल, बोले जा जंबीरेर, जंबीरेर आई थिंक मे बी ये जामुन का पेड़ है या एक सुंदर गंध युक्त लेमन होता है ना वो पेड़ है, जहाँ पे जंबीरेर पेड़ भागवतम में दिया हुआ है, चैतन्य भागवतम में। जंबीरेर वृक्ष सबे कदम्बेर फूल फुटिया छे अति परम अतुल, पक 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 करके एकदम सब फूल कदम फूल प्रस्फुटित हो गया। और देख के सब आश्चर्यचकित, चैतन्य प्रभु का सब माने प्रभाव, भगवान ईश्वर का प्रभाव। और राघव पंडित हंसते हुए गए, मन में तो क्षोभ नहीं है, मन में बहुत आनंद है लेकिन ऊपर से क्षोभ है। और एक सूत्र में अपने प्रेम सूत्र में उसको पिरोकर अश्रुपूर्ण नयन में भगवान नित्यानंद प्रभु को पहना दिया, नित्यानंद प्रभु बहुत खुश हो गए। अर्थ ये है, देखो राघव पंडित भी जानते हैं प्रचार बहुत महत्वपूर्ण है, नित्यानंद प्रभु जो ये सब लीला किए ये सामान्य जनों के लिए नहीं है, ये बहुत उच्च जनों के लिए है। तो लीला का बढ़ोतरी देख के राघव पंडित थोड़ा माने घबरा गए कि सामान्य जीव का ये अधिकार नहीं है, इसमें हम लोगों का हानि भी हो सकता है, इसलिए उसको रोकने के लिए आई तुम जाओ तो यहाँ से निकलो अभी प्रचार करो आगे। और इनका नाम मोटर प्रचार कमिटी था, एक सम माने एक टोली था। नित्यानंद प्रभु कभी सीधे नहीं जाते थे, रास्ता सीधा है सीधा नहीं आएगा, ऐसे zigzag जाते थे, गुरु महाराज कह रहे हैं ऐसे ऐसे जाते थे, कहाँ भूल के चले गए, अरे वो गांव नहीं आया कि कहाँ चले गए, लो तो उधर था उधर जाओ, फिर उधर चले गए। मैंने प्रेम में प्रेम नाम में बच्चों जैसा स्वभाव, बोलते जो शुद्ध होते उनका स्वभाव बच्चों जैसा होता है, और जो अशुद्ध होते हैं वो लोग महा कुटिल होते हैं, उनका स्वभाव होता है पॉलिटिक्स, सबसे पॉलिटिक्स सबसे पॉलिटिक्स, हाँ सरल स्वभाव गौर निताय को बहुत प्यारा है। भगवान पतित पावन है कपट पावन नहीं, यही विडम्बना है। तो जाओ कदम फूल का माना पहना और राष्ट्रपूर्ण नयन विदाय हो रहे हैं, उनको दुख भी लग रहा है, भक्त लोग का त्याग समझिए। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी भक्त संघ उपस्थित होता है, जैसे हमारे गुरु महाराज कभी कभी आते हैं, हम जानते हैं कि गुरु महाराज के संग में हम तो ज़्यादा दिन नहीं रह सकते क्योंकि गुरु महाराज का बहुत ज़रूरी कार्य है प्रचार करना, लेकिन गुरु महाराज जब जाते हैं तो हृदय टूटता है कि ऐसा शुद्ध भक्त का फिर संग कब मिलेगा, लेकिन वो ज़रूरी भी है क्योंकि सब जीवों का उद्धार कैसे होगा। राघव पंडित का अश्रुपूर्ण नयन, तंत्रों का भी अश्रुपूर्ण नयन, फिर कब आना होगा तेरे पानी हटी धाम, कब खिलाएगा राघव का सुंदर गौर हरि का प्रसाद। लेकिन भक्त लोग अपने इस बहुमूल्य संबंध को भी त्याग देते हैं जीवों के उद्धार के लिए। भक्तों का शौक नहीं होता कि वो धाम में जाकर नित्य जप करें, भक्तों का कोई शौक नहीं होता कि वो रसिकों के साथ नित्य रहे, लेकिन नहीं यही तो विडम्बना है, ये महाप्रभु का आज्ञा है, यही नारद मुनि वेदव्यास को भी बोल रहे हैं प्रथम स्कंद में, जाओ जा कृष्ण कथा का प्रचार करो ताकि जीवों का उद्धार हो। इसे बोलते हैं गोष्ठानंदी, यही है महाप्रभु का मूड एंड मिशन, नित्यानंद प्रभु का मूड एंड मिशन। जब तक ये शरीर इस धाम में है तब तक गौरांग महाप्रभु का आज्ञा मानना बहुत जरूरी है, अपने भक्तों के संग के विलास जो आनंद है उसको भी भक्त को त्यागना पड़ता है, और जाके सूक्ष्म जगह पे जहाँ पे शुष्क है सब सूखा हुआ है वहाँ पे जाके फूल खिलाना पड़ता है। बहुत कष्ट है भक्तों के जीवन में, एक तांत्रिक कष्ट
और बाह्यिक कष्ट तो वो तो भक्त लोग सहन कर लेते, उसको समझते ही कुछ नहीं, आंतरिक कष्ट बहुत होता है। भक्त लोग भक्त का विराज सहन नहीं कर पाते। श्रीनिवास आचार्य जा रहे हैं और महाप्रभु सब लोग, बड़े बड़े सब पार्षद लोग सब चले भगवत धाम चले गए, बहुत रो रहे हैं, कैसे मैं इनका दर्शन प्राप्त करूंगा। महाप्रभु ने दर्शन दिया, चिंता मत करो, सर गोस्वामीगण हैं वहां पर, उनके पास जाओ। तो विरह, भक्त विरह ये सहन करना अत्यंत कठिन है, बहुत कठिन है। ठीक राघव पंडित के आंखों में वही ब्रह्मना, वही आंसू मुंह से शोभ करे, जाओ नित्यानंद, महाप्रभु का आज्ञा पालन करो। और मन में वही कि गोपनीतारी कब आएंगे, तो ऐसा आशीर्वाद मिला कि गोपनीतारी डेली आते हैं सूक्ष्म रूप से, तो ये राघव भवन राघव पंडित का सौभाग्य है। तो ऐसे गौर पार्षदों के चरणों में माथा फोड़ेंगे तब जाके हम लोग गौर हरि के प्रेम का लाभ होगा। ऐसे वे प्रचार करते करते नित्यानंद प्रभु के प्रधान दो शक्ति जाह्नवी माता, वसुधा माता, वसुधा माता के पुत्र हैं बीरचंद प्रभु, जो नित्यानंद भगवान के बाद एक विशेष प्रचारक के रूप में धाराधाम में रहे। खेतुड़ी ग्राम में जब नवतुंड ठाकुर ने उत्सव किया तब जाह्नवी माता बीरचंद प्रभु दोनों उपस्थित थे, और बीरचंद प्रभु का सवित विग्रह अद्य भी वृंदावन में उपस्थित है। खड़दाहा बीरचंद प्रभु ने जिस शिला से तीन ठाकुर का निर्माण किया था, राधा नंदोदुलाल, राधा बल्लभ, राधा श्याम सुंदर, जद्दबी खड़दा में और श्रीरामपुर में उपस्थित हैं। तो खड़दाहा, खड़ होता ना, क्या बोलते हैं, बिचाली, जो धान होता है, धान को झाड़ने के बाद जो उनका अवशेष होता है तुष, उसको बोलते हैं बिचाली, उसके ऊपर रख के गंगा में विसर्जन कर दिया था उस पत्थर को, जो उन्होंने नवाब के घर से लेके आए थे। वो वही शिला है जिसमें कंस ने भगवान के 6 बड़े भाइयों को मारा था। शालिग्राम स्वरूप है और कष्ट काले पत्थर का है, उन पत्थरों से इन तीन विग्रहों का निर्माण हुआ है। तो जेहतु खड़ यानी बिचाली के ऊपर रख के पत्थर गंगा में बहा दिया था, वो बिचाली आके इधर ही जहाँ पे खड़दा है वहाँ पे लगा था, और फिर इनके भक्तों ने वहाँ से पत्थर को उठाया और विग्रह का निर्माण किया, इसलिए उसका नाम पड़ा खड़दा, खड़दा। तो ये लीला बहुत ही अद्भुत है। और कुछ ही समय के पश्चात हम लोग पानीहाटी और खड़दा में तीन ठाकुर का विग्रह दर्शन और उनकी स्थली को हम लोग आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं, आप लोग अवश्य देखिएगा। नित्यानंद प्रभु की लीला तो बहुत सारी हैं, अल्प समय में तो इसका विस्तार नहीं हो सकता, लेकिन यही बात है, नित्यानंद प्रभु का कृपा के बिना आध्यात्मिक जीवन का शुरुआत और सिद्धि दोनों ही प्राप्त नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। तो आज वो महान दिन है। मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा नित्यानंद प्रभु के पार्षदों के बारे में। नित्यानंद प्रभु के द्वादश पार्षद थे श्री अभिराम ठाकुर, इनका श्रीपाद खानाकुल कृष्णनगर में था, सुंदरानंद ठाकुर यशहर जिला में अंतर्गत महेशपुर में उनका श्रीपाठ है, श्री कमलाकर पिपलाई श्रीपाठ महेश, जहाँ महेश का रथ होता है वहाँ पे उनका श्रीपाठ है, और गौरीदास पंडित यानी हृदय चैतन्य प्रभु के गुरुदेव, जिनका अम्बिया कालना में श्रीपाठ है, श्री परमेश्वरी दास आठपुर में श्रीपाठ है, धनंजय पंडित पालपरा चाकदह में जिनका श्रीपाठ है, और श्री महेश पंडित काटवा में इनका शीतलग्राम में श्रीपाठ है, पुरुषोत्तम पंडित सुख सागर में श्रीपाठ है इनका, श्री काला कृष्ण दास आकाई हाट ग्राम, ये काला कृष्ण दास वही काला कृष्ण दास हैं जो महाप्रभु के साथ गया था दक्षिण यात्रा में और महाप्रभु ने उसको पुनरुद्धार किया था, श्री पुरुषोत्तम दास श्रीपाठ चांदुर ग्राम
उद्यान दत्त ठाकुर श्रीपाद सप्त ग्राम बरानगर श्रीधर ठाकुर, हाँ ये हैं द्वादश गोपाल, इनका दो के पार्षद ब्रज के सखा थे, तो इनका नाम भी अति पावन है, इनका दान नाम लेने से इतना लोगों का कृपा लाभ होता है। तो इन महान द्वादश गोपालों का स्मरण करते हुए, वसुधा जाह्नवा का स्मरण करते हुए, बीरचंद्र प्रभु को स्मरण करते हुए, श्री भगवान बंकू बिहारी को और एक चक्र धाम हराय पंडित और पद्मवती को स्मरण करते हुए, आज नित्यानंद प्रभु के जन्म दिवस में आप सबके लिए मैं ये प्रार्थना उनके चरणों में निवेदन करता हूँ कि आप लोगों को कृष्णमती और कृष्ण विषयक रुचि प्रदान करें, जिसको ये अमूल्य चीज़ प्राप्त हो जाता है उनका जीवन कृतकृत्य हो जाता है। श्री भगवान नित्यानंद राम की जय। ताई गौर परमानंदे हरि हरि बोल।